हेलो फ्रेंड्स, सिंपल रेसिपीज में आज हम बनाएंगे प्रोटीन पैनकेक्स। आज हम बनाने वाले हैं ओटमील बनाना पैनकेक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पैनकेक में मैं थोड़ा सा वीट फ्लार ऐड करूँगी, पर अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई फ्लार ऐड मत करिए, तो हमारा ये कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम बनाना ओटमील पैनकेक्स बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप ओल्ड फैशन रोल ओट्स लिए हैं, उसका मैंने पाउडर किया है। अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो ओट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो ग्लूटेन फ्री हो। यहाँ मैंने यूज़ किया एक बनाना, ये एकदम पका हुआ बनाना है। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसको ओट्स पाउडर में मिक्स करेंगे। ये कम्प्लीटली मैश कर लिया है मैंने। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं इस ओट्स पाउडर में। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आटा, 1 चुटकी नमक, 1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ब्राउन शुगर और 2 बड़े चम्मच हनी के। ब्राउन शुगर ऑप्शनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहते इसको और इसमें सिर्फ बनाना और हनी का फ्लेवर रखना चाहते हैं तो आप चीनी भी हटा सकते हैं। साथ में डाला मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बटर मिल्क। पूरी तरह बैटर बनाने के लिए मुझे 1 ग्लास बटर मिल्क लगा है। पहले मैंने इसमें 1/2 ग्लास बटर मिल्क ऐड किया एक टेक्सचर बनाने के लिए। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ओट्स बटर मिल्क के साथ थोड़ा सा फूलता है, किसी भी मॉइस्चर के साथ अगर आप ओट्स को रखें तो वो थोड़ा सा फूलेगा और वो मॉइस्चर को सोक करता है, तो ये बैटर काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। बाद में हम फिर से इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाने के लिए थोड़ा और बटर मिल्क ऐड करेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया। 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, मैं थोड़ा बटर मिल्क और ऐड किया और अब मैं इसको इस कप में ऐड कर रही हूँ। इस कप में मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं जब इसको पैन पर गिराऊँ तो मेरे लिए ईजी हो निकालना। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर किसी और तरीके से डालना चाहें, किसी स्पून से या स्पैचुला से, तो कर सकते हैं। तवे को हल्का सा ग्रीस करके अब मैं इस पर अपने ये पैनकेक्स डाल देती हूँ। इस पे छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब हमारा ये पैनकेक कुक हो रहा है। इस पे हल्का सा घी और डालूंगी मैं और इसको हम कुक होने देंगे। देखिए, मेरे हर पैनकेक पे बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लिप करेंगे क्योंकि हमें इसको दोनों साइड कुक करना है। बहुत आराम से इसको फ्लिप करते हैं, अच्छे से कुक कर लेंगे दोनों साइड। इसमें ओट्स ज़्यादा है, आटा हमने कम डाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और बहुत स्पंजी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी ग्लूटेन कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है हमने। ये तैयार हो गए हैं हमारे बनाना पैनकेक्स। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर रखूंगी मैं कुछ बनाना के स्लाइसेस और ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ा हनी ताकि इसमें अच्छी सी स्वीटनेस आए और हर बाइट में एक अच्छा स्वीट टेक्सचर आ जाए, फ्रूटी और स्वीट टेक्सचर। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा।